Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy. While student, previous tutorial में हम लोग interface के बारे में discuss किए और हम लोग अभी discuss कर रहे हैं package के बारे में. What is the package? Package is a group of similar type of class, interface and pack and sub package is called as a package. पैकेज बेसिकली हम लोग उसको कहते हैं जहां पर हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम को एक जगह पर समराइज करके रखने का काम करते हैं, उसको हम लोग पैकेज कहते हैं. बच्चों जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हम लोग ने एक हॉलीडे पैकेज परचेज किया है या लिया है, तो इट मीन्स व्हाट? हॉलीडे पैकेज का मतलब ये है कि हम उसमें लॉजिंग, फूडिंग, ट्रैवलिंग या जहाँ जहाँ स्पॉट्स हम लोग को जाना है वो सारे जगह पर वो इंक्लूड है. तो वैसे जगह पर जहाँ पर हम लोग ये सारे चीज़ों को एक जगह पर मिला के एक पैकेज बनाते हैं, उसी तरह हम लोग बहुत सारे चीज़ों को, फंक्शंस को, क्लास को एक जगह पर लेके हम लोग पैकेज का यूज़ करते हैं. दूसरा एग्जांपल बच्चों, अगर हम लोग देखें कि मान लो अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर को हम लोग एक आदमी अगर मल्टीपल आदमी बना एक ही काम को करें ये भी संभव नहीं है. तो हम लोग अगर हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज उसको हम लोग डेवलप करें, मान लो एक कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाना है तो एक हम कैंडिडेट को लाइब्रेरी के बारे में दे दें, एक कैंडिडेट को एडमिशन प्रोसेस के बारे में दे दें, एक कैंडिडेट को हम नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन दे दें और जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो टीम लीडर है, वो बेसिक वर्क को करे. और वो हम लोग क्या करें कि वो सारे प्रोग्राम को, फिर आप पूछो कि सर मर्जिंग कैसे होगा, तो उसको मर्ज नहीं करना है, सिंपली उसके पैकेज को हम लोग को क्या करना है, इम्पोर्ट कर लेना है और एक क्लास को मेन क्लास के ऑब्जेक्ट बना के हम लोग को डाल देना है. तो ये दिया था, इसका मतलब ये पैकेजिंग होता है जहां पर हम लोग बहुत सारे क्लास को या फंक्शंस को बनाते हैं और उसको एक जगह पर हम लोग कॉल कर लेते हैं, अलग अलग डायरेक्टरीज में बनाते हैं और उसको एक जगह पर हम लोग कॉल करने का काम को हम लोग पैकेज कहा जाता है. तो ये सबसे बड़ा हम लोग का, क्योंकि जावा का जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम बनेगा, एक ही प्रोग्राम में अगर बनाएंगे तो काफी लार्ज और लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग उसको छोटे छोटे पैकेज में बना के करते हैं ताकि आसानी से हम लोग उसको कर सके. बच्चों पैकेजिंग आर टू टाइप. नंबर वन इज अ सिस्टम बिल्ड इन पैकेज, इसको सिस्टम डिफाइंड पैकेज कहते हैं, और अनदर दैट इज कॉल्ड एज अ यूजर डिफाइंड पैकेज. तो जो बिल्ड इन पैकेज होता है उसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. जैसे हम लोग करते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल, इम्पोर्ट जावा डॉट आई यूज, तो ये सारे क्या है, ये बिल्ड पैकेज है जिसका हम सिंपली इस्तेमाल करने का काम करते हैं, इसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं. लेकिन यूजर डिफाइंड पैकेज जो अगर हम लोग बनाते हैं तो वो हम लोग बनाते हैं, उस पैकेज का नाम हम लोग रखते हैं, उसके अंदर क्लास का जो नाम होगा उसका नाम हम लोग डिसाइड करते हैं, ये सारे चीज़ें हम लोग डिसाइड करने का काम करते हैं, उसको यूजर डिफाइंड पैकेज कहते हैं. बच्चों यूजर डिफाइंड पैकेज में जिस नाम से हम फोल्डर बनाएंगे उसी नाम से हम लोग पैकेज को बनाने का काम करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसके मैकेनिज्म को जब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि ये वर्क कैसे हम लोग क्रिएट करने का काम करते हैं और इसको कैसे. हमेशा याद रखना, जिस नाम से हम फोल्डर बनाते हैं उसी नाम से हमारा पैकेज बनता है. तो चलो हम लोग देखते हैं अगले प्रोग्राम में कि हम लोग पैकेज को क्रिएट करने का काम कैसे करते हैं और उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं. और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने बेल आइकन को प्रेस करने में कंजूसी मत करो. देखो समझो, अगर तुमको लगता है कि नहीं यहां पर सर को और ट्यूटोरियल डालना चाहिए तो उसका फीडबैक दो. Learn computer with Artis Academy.